सैमसंग हमेशा से ही अपने शानदार फोन्स के लिए जाना जाता रहा है और इस साल यानी 2021 में भी सैमसंग कई फ्लैगशिप और मिड रेंज फोन्स को पेश कर चुका है। अब कंपनी ने एक नया फोन गैलेक्सी M32 भी लॉन्च कर दिया है जो कि एंट्री लेवल मिड रेंज फोन है और इसमें आपको एक पावरफुल बैटरी और बढ़िया हार्डवेयर मिल रहा है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं या मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो पहले इस वीडियो को जरूर देखें। मैं हूं आफरीन और हम यहां गैलेक्सी M32 की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इस फोन को खरीदने से पहले इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। सबसे पहले ब्रीफ में जानते हैं कि गैलेक्सी M32 क्या ऑफर करता है। फोन को पावर देने के लिए गैलेक्सी M32 में मीडियाटेक हीलियो G80 SoC दिया गया है जिसके साथ 6GB रैम और अप टू 128GB स्टोरेज दिया गया है। मीडियाटेक हीलियो G80 SoC ओक्टा कोर प्रोसेसर है जिसके 2 कॉर्टेक्स A75 कोर्स 2GHz पर क्लॉक्ड हैं और 6 कॉर्टेक्स A55 कोर्स 1.8GHz पर क्लॉक्ड हैं। यह चिपसेट अलग अलग यूसेज के हिसाब से डायनामिकली CPU GPU को भी मैनेज कर सकता है। मीडियाटेक के लंबे वादों के बावजूद भी हम यही कहेंगे कि हीलियो G80 SoC एक टिपिकल बजट सेगमेंट चिप है जो इसी तरह काम भी करता है। उदाहरण के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी फोन की सेटिंग्स में मीडिया ग्राफिक ही सपोर्ट करता है, हालांकि यूजर्स इसके बाद भी कुछ हाई एंड ग्राफिक फीचर्स ब्लूम और एंटी एलिजिंग आदि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। गीकबेंच पर मोबाइल टेस्टिंग के दौरान M32 पर डिमांडिंग टाइटल्स में ग्राफिकली कुछ इश्यू देखने को मिले हैं। गेमिंग सेशन में फोन 79% स्टेबिलिटी के साथ 49 FPS दर्ज कर पाया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोन 20% CPU रिसोर्स और 753 MB के साथ ये सब मैनेज कर पाया है। अगर हम बेंचमार्क टेस्ट की बात करें तो एंटूटू पर Redmi Note 10S और Realme 8 5G ने Galaxy M32 को पीछे छोड़ा है। वहीं Geekbench पर M32 सिंगल कोर टेस्ट में 345 और मल्टी कोर टेस्ट में 1227 स्कोर हासिल कर पाया है। बेंचमार्क के अलावा GPU इंटेंसिव गेम्स की बात करें तो Galaxy M32 परफॉर्मेंस में निराश नहीं करता है। ऑप्टिमाइज्ड One UI 3.1 सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर फोन में सैमसंग पे मिनी भी ऑफर करता है। गैलेक्सी M32 का हार्डवेयर मल्टीटास्किंग, एप्स व डेली यूसेज को आसानी से मैनेज करता है। इसका मतलब है कि वेब ब्राउजिंग या एप्स के बीच स्विच करने में कोई भी दिक्कत सामने नहीं आई है और ना ही किसी तरह का स्लोडाउन देखने को मिला है। गैलेक्सी M32 में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स बिना किसी रुकावट के चलते हैं। फोन के डिजाइन और डिस्प्ले दोनों ही स्मार्टफोन की शान को बढ़ाने का काम करते हैं। मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए यह एक अच्छा अनुभव देती है। फोन का डिजाइन चीजों को काफी सिंपल रखता है। डिवाइस के एर्गोनॉमिक्स को काफी अटेंशन दिया गया है। यह बड़ी बैटरी से लैस होने के बाद भी काफी लाइट वेट और मैनेजेबल डिवाइस है। इसके बैक पैनल को पॉलीकार्बोनेट से बनाया गया है जो डिवाइस को अच्छा इनहैंड फील देता है और इससे गेमिंग के टाइम भी फोन को काफी लाइट महसूस कर पाएंगे। गैलेक्सी M32 एक टिपिकल M सीरीज फोन है और कीमत के हिसाब से यह क्लासी एक्सटीरियर ऑफर करता है। डिवाइस के बैक पैनल पर स्क्वायर शेप का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, साथ ही इसके कंपनी का लोगो भी देखा जा सकता है। फोन के बॉटम पर 3.5mm हेडफोन जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। बताते चलें, इनकी मौजूदगी गेमिंग एक्सपीरियंस को हैम्पर नहीं करती है। बात करें डिस्प्ले की तो गैलेक्सी M32 में एक बड़ी डिस्प्ले दी गई है जो कि अगर बेस्ट नहीं है तो बेस्ट में से एक है। फोन में 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसके रिफ्रेश रेट 90Hz है। हालांकि ये फास्ट नहीं है लेकिन फिर भी इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस उपलब्ध कराती है। पैनल को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन ये डिस्प्ले रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करती है तो बता दें, ये सुपर एमोलेड पैनल बढ़िया कलर एक्यूरेसी और डायनामिक रेंज ऑफर करता है। 6.4 इंच का ये पैनल अपने हाई पिक्सल पर इंच काउंट की वजह से दिखने में काफी क्रिस्प लगता है। डिस्प्ले की परफॉर्मेंस अन्य एस्पेक्ट में भी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। यह इस सेगमेंट की ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है और फोन में हाई ब्राइटनेस मोड ऑन करने पर यह ऑटोमेटिकली 800 निट्स की ब्राइटनेस पर पहुंच जाती है। यह कहना सही होगा कि ये फीचर्स गैलेक्सी M32 को बढ़िया गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए तैयार करते हैं। जब बात बैटरी की आती है तो गैलेक्सी M32 की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी ही है। सैमसंग ने फोन में 6000mAh की बैटरी दी है जो सिंगल चार्ज में 2 दिन तक चलती है। इसकी बड़ी बैटरी नॉर्मल यूज में तो अच्छा परफॉर्मेंस देगी ही, लेकिन अगर आप गेमिंग यूजर हैं या फोन में बहुत से वीडियोस देखते हैं तो ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। हमारे टेस्ट में बैटरी पहले 24 घंटे तक लगातार टिक पाई जबकि 15 मिनट के
कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलने पर ये केवल 3% ही कम हुई है। गैलेक्सी M32 में सैमसंग की 25 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग तकनीक मिल रही है, जो कि कंपनी के कुछ फ्लैगशिप फोन्स में ही मिलती है। हालांकि फोन के साथ सैमसंग केवल 15 वॉट का चार्जर ही दे रहा है, जो 2 घंटे 20 मिनट में फोन को पूरा चार्ज कर देता है। अब बात करें कंक्लूजन की, तो गैलेक्सी M32 एक अच्छा फोन है जो बहुत कुछ ऑफर करता है। इसमें बड़ी डिस्प्ले मिल रही है जो फास्ट रिफ्रेश रेट ऑफर करती है और हाई प्राइस सेगमेंट के फोन को टक्कर देने में भी अच्छा काम करती है। M32 में कंपनी ने बड़ी बैटरी को शामिल किया है, जो आपको बिना चार्जर के पीछे दौड़ाए आपके बिन्स वॉच सेशन को पूरा करेगी। डिवाइस को डिसेंट कोर हार्डवेयर दिया गया है और ये कंपनी के हाई ऑप्टिमाइज वन यूआई 3.1 के साथ आया है, जो दिन के सभी टास्क बिना प्रॉब्लम के करने देता है। हालांकि इसमें हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर हार्डकोर गेमिंग शामिल नहीं है। इसके लिए आपको थोड़े और महंगे फोन जैसे पोको M3 प्रो या रेडमी नोट 10 प्रो की ओर जाना होगा। ये दोनों फोन्स बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं, हालांकि इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।